guys, welcome to ADC India. Thank you so much for your love and support for ADC India. Make sure to click the subscribe button for more improvement videos. Red subscribe button ko click karna na bhulein. And today we are talking about carb cycling. Carb cycling kya hoti and everything you need to know about it. So guys, let's get started. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्ब साइक्लिंग होती क्या है और हेल्पफुल क्यों होती है फैट लॉस के लिए। गाइस, जब आप इफेक्टिव वेट लॉस के लिए हाई कार्ब बेस और लो कार्ब बेस को कंबाइन कर देते हैं उसको हम लोग कार्ब साइक्लिंग बोलते हैं। कार्ब साइक्लिंग के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं एज कम्पेयर टू लो कार्ब डाइट, लाइक मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन इन योर बॉडी। ऑल्सो गाइस, कार्ब साइक्लिंग की वजह से आप उन सब हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं जो आपको प्योर लो कार्ब डाइट में झेलने पड़ते हैं। लाइक एज आप साइक्लिंग में आप फूड के लिए इतना क्रेव नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आप मेंटली अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं और आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस पे भी इंक्रीमेंट होता है। बट बिफोर ट्राइंग कार्ब साइक्लिंग, लेट मी टेल यू हाउ टू डिवाइड कैलोरीज इन कार्ब साइक्लिंग एंड हाउ टू परफॉर्म इट। गाइस, कार्ब साइक्लिंग आप दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप तीन तरह के दिन रखें जिसमें लो कार्ब, हाई कार्ब और नो कार्ब डेज होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ आप दो तरह के दिन रख सकते हैं जिसमें हाई कार्ब और लो कार्ब डेज होते हैं। गाइस, कार्ब साइक्लिंग का शेड्यूल आपको वीकली परफॉर्म करना है, यानी कि आपको 7 दिन को डिवाइड करना है इन हाई कार्ब लो कार्ब डेज में। बात करते हैं आपको कार्ब कंज्यूम कैसे करने हैं। हाई कार्ब डेज में 3 times द वेट, लो कार्ब डेज में 1.5 times एंड नो कार्ब डेज में 0.5 times योर वेट इन किलोग्राम। मेक श्योर गाइस, हाई कार्ब डेज लगातार नहीं होने चाहिए। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड हियर, दैट इज आपको हाई कार्ब डेज उस दिन ही रखने हैं जिस दिन आपकी ट्रेनिंग जो है वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। लाइक एज आप जिस दिन लेग वर्कआउट करते हैं या फिर जिस दिन आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं टू मेक द मोस्ट ऑफ योर कार्ब इनटेक। चलिए अब बात करते हैं आपको किस तरह के कार्ब कंज्यूम करने हैं। आपको सिंपल कार्ब्स कंज्यूम नहीं करने हैं, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब ही लेने हैं। आपको वाइट राइस, वाइट शुगर, बनानास, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है बिकॉज दे विल गिव यू ए स्पाइक ऑफ एनर्जी, नथिंग मोर देन दैट। ये बात करते हैं आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कैसे करना है। गाइस, जो आपको वेरिएशन करनी है वो करनी है फैट और कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन को आपको कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट द वीक। हाई कार्ब डेज में आप फैट की अमाउंट को कम कर दें और लो कार्ब डेज में आप फैट की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दोज कैलोरीज। चलिए बात करते हैं कैलोरी स्प्लिट की। अगर आप डेली कैलोरीज कंज्यूम करते हैं 2200 पर डे और आपका गोल है 1700 पर डे टू लूज वेट, देन आपको वीकली कंज्यूम करनी है 11900 कैलोरीज। गाइस, इन कार्ब साइक्लिंग ऑल्सो आपकी कैलोरीज इनटेक जो वीकली है वो 11900 ही होनी चाहिए। आप एक हाई कार्ब लो कार्ब डाइट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वीकली कैलोरीज इंक्रीज होगी, वीकली कैलोरीज कंसिस्टेंट रहेंगी जैसे कि लो कार्ब डाइट में होती है। आपको हाई कार्ब डेज में कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा रखती हैं और लो कार्ब डेज में कैलोरीज इतनी ही कम रखती हैं। बट गाइस, कार्ब साइक्लिंग के कुछ नुकसान, कुछ डाउनसाइड भी होते हैं। उनमें पहला ये है कि आपका जो वाटर वेट है ड्यूरिंग योर हाई कार्ब डेज विल बी इंक्रीज, वो आपका बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कैलोरीज यू आर कंज्यूमिंग ऑन दैट डे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कार्ब साइक्लिंग में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है बट यू कैन मैनेज दैट बिकॉज इट इज़ ईजियर टू फॉलो। सो राइट डाउन इन कॉमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कार्ब साइक्लिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।